नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी YouTube चैनल रामबाण औषधि पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें। आज हम आपको 7 ऐसी सब्जियों के बारे में बता रहे हैं जिनका उपयोग करके आप आसानी से अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों को बुलावा देता है। यह धमनियों में एकत्र होने लगता है और इसका मार्ग संकरा कर देता है। तंग धमनियों में उच्च रक्तचाप की शिकायत हो जाती है। इनसे रक्त के धक्के, ब्लड क्लॉटिंग होने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जो मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसके लिए आपको यह जानना चाहिए कि इस रोग से बचने के लिए क्या खाएं। दोस्तों, ये सब्जियां न सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करेगी बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में भी पूरा सहयोग देगी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर यह कोलेस्ट्रॉल किस कारण बढ़ता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण जान लेंगे और फिर उपचार करेंगे तो बहुत ही जल्दी दवा भी असर करेगी और आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन चीजों को जिनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप रोजाना अपने भोजन में वसायुक्त चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं या वसायुक्त भोजन करते हैं तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते हमारे खून में मिल जाती है और हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे रक्त की नलिकाओं में खून के थक्के जमने लगते हैं और ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, जिससे व्यक्ति को हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यह वसायुक्त चीजें कौन सी हैं जिसे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वो चीजें कौन सी हैं। अंडा, मांस, मछली, डालडा, रिफाइंड ऑयल, डेयरी उत्पाद, जंक फूड, पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम, मीट भुजिया, खाने में ऊपर से नमक डालकर खाना, ज्यादा कॉफी पीना। दोस्तों, इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं चीजों के अधिक सेवन करने से हमारे शरीर में वसा, फैट की मात्रा बढ़ जाती है और हमें बीमारी का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, आपने यह तो जान लिया कि किन किन चीजों के सेवन से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब जानते हैं कि शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको यहाँ पर 7 ऐसी सब्जियां बताई जा रही हैं जिसके सेवन से आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहेगा, जिसमें सबसे पहले जो सब्जी है वो है पत्ता गोभी। दोस्तों, पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है जो अपने गुणों के कारण देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चा की विषय रही है। पत्ता गोभी की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं, सभी के ही सेवन से गंभीर रोगों से छुटकारा मिल सकता है। पत्ता गोभी का रस कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि गंभीर रोगों में रामबाण है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप इसे सब्जी के रूप में या इसका जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है लहसुन। दोस्तों, सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद 3-4 कच्ची लहसुन की कलियां चबा चबा कर खा लीजिए। लहसुन कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। इसको नित्य घर में सब्जी में बनाकर या इसकी चटनी बनाकर भी खाई जा सकती है। तीसरी सब्जी है प्याज। दोस्तों, हर रोज अगर आप आधा प्याज अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो ये आपके बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत मददगार है, इसलिए इसका सेवन खाने में जरूर करें। फिर है अदरक। दोस्तों, अदरक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में बहुत सहयोगी है। अनेक शोधों में पाया गया है कि सिर्फ 3 ग्राम अदरक का नित्य सेवन करने से रक्त में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। पांचवी सब्जी है मशरूम। दोस्तों, मशरूम चमत्कारिक सब्जी है। इसको रोजाना भोजन में शामिल करने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। फिर है पुदीना। दोस्तों, पुदीने का सेवन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। हर रोज 5 से 10 मिलीलीटर पुदीने का रस कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण है। सातवीं और आखिरी सब्जी है लौकी। दोस्तों, लौकी के मौसम में सुबह खाली पेट लौकी का एक गिलास जूस जरूर पिए। इसमें पुदीना और तुलसी के 5-5 पत्ते भी मिला लीजिए। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही सही नहीं करेगा बल्कि इससे आपके हृदय की धमनियों में जमा हुआ क्लोट भी साफ होगा और हृदय को बल भी मिलेगा। तो आप इसका सेवन जरूर करें और अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ
आप हमारे YouTube चैनल रामबाण औषधि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे आ रहे इस बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ इस बेल पर भी क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री में होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हमारी वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और आप आसानी से हमारे चैनल तक पहुंच पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।